हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेटफैक्ट एकेडमी में। मैं हूं श्रीकांत राय और आज का जो वीडियो है थोड़ा सा लीक से हट करके है। अभी तक जो भी वीडियो हम बनाते आए हैं, मेरी जो स्टार्टिंग पोजीशन थी मैंने वो देखा था, आप लोगों ने देखा भी होगा हो सकता हो। सीटेट को लेकर के वीडियो बनाते थे, पढ़ाते थे, लोग पढ़ते नहीं थे, स्लाइड टाइप की वीडियो बनाते थे। हो सकता है मैं पढ़ाने आता हूँ, मुझे अच्छे से नहीं पढ़ा पाते हूँ, हो सकता है तो लोग नहीं देखते थे उसको। फिर मैंने जो है बिहार शिक्षक बहाली के ऊपर वीडियो बनाना शुरू किए, अपने अनुभव शेयर करने शुरू किए। लोगों को कुछ अच्छा लगा, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, फिर भी अच्छा खासा सपोर्ट और प्यार आप लोगों की तरफ से मुझे मिला। और आज का जो वीडियो है ये सिर्फ बिहार के लिए नहीं है, ये पूरे भारत के लिए है। पूरे भारत में ऐसे अभ्यर्थी जो शिक्षक बनने का सपना देखते हैं, ये वीडियो उनके लिए मैं बना रहा हूँ। और इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ही, नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। और आपको ये एक आइडिया लगेगा कि क्या आप शिक्षक बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, या आपको कुछ और कर लेना चाहिए। सभी लोग जो है ग्रेजुएशन करने के बाद, इंटर करने के बाद कोई BTC करता है, कोई DLED कर लेता है, कोई BED कर लेता है, कोई BBED कर लेता है कि हम लोग जो है शिक्षक बनेंगे। लेकिन आज के समय में जिस तरीके से शिक्षकों की भर्ती पूरे भारतवर्ष में हो रही है, एक्का दुक्का स्टेट को अगर छोड़ दें तो ऐसा लगता है जैसे कि BED करना, BTC करना, DLED करना आत्महत्या करने के बराबर है। शिक्षक अभ्यर्थियों की सरकारों के माध्यम से यहाँ पे योग्यताएं तय की जाती हैं। IAS PCS के एग्जाम में भी 3 चरण होते हैं, PT होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, आपको नौकरी मिलती है। लेकिन शिक्षक भर्ती एक ऐसा एग्जाम है जहां पर ऐसा लगता है कि एक अंधेरी खाई है जिसमें हम लोग जो है अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के उतर गए हैं, जिसको बहुत ही मेहनत से कमाया गया है, जिसमें बहुत ही पैसा खर्च किया गया है, और बहुत सारे लोगों के सपने उन शिक्षक अभ्यर्थियों से जो है जुड़े हुए हैं, उनके परिवार के सपने उनके साथ जुड़े हुए हैं। कुछ सोच समझ करके वो लोग इस लाइन में हम लोग को लेकर आते हैं कि शायद नौकरी मिल जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन होता क्या है कि अगर प्राइवेट ही करना रहता है तो BED करने की क्या जरूरत है। टीचर बनना कोई मुश्किल काम नहीं है, ऐसे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट बनाए हैं, अगर प्राइवेट शिक्षक बनना होता है तो लोग बन सकते हैं। लेकिन लोगों के अंदर क्या रहता है कि हमको एक सरकारी शिक्षक बनता है। सरकारी शिक्षक क्या करता है, किसको पढ़ाता है? सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाता है। उस स्कूल में कैसे बच्चे पढ़ते हैं? मिडिल क्लास के बच्चे पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं। गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, फिर भी लोग शिक्षक बनना चाहते हैं। कुछ लोग देश सेवा भी करना चाहते हैं, कुछ लोग उन बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, कुछ लोग नौकरी करना चाहते हैं, फिर भी वो किसी न किसी तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से उन गरीब बच्चों को पढ़ा के देश की सेवा कर ही देते हैं। सरकारी स्कूल बहुत दूर दूर होते हैं, आउटर इलाके में होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। फिर भी एक अभ्यर्थी शिक्षक बनने का सपना जो है देखता है, उसके परिवार वाले कहीं ना कहीं से पैसा इकट्ठा करके, किसी भी तरीके से पैसा इकट्ठा करके उसको BED, DLED, BED वगैरह जो भी है करा देते हैं। फिर इंतजार करते हैं कि हमारा बेटा या बेटी जो है एक दिन शिक्षक बनेगा, उसको नौकरी मिलेगी। लेकिन ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ की जो सरकारें हैं वो राजनीति में इतना अंदर तक धंस चुकी हैं कि उनको ये दिखाई ही नहीं देता है कि इस देश का जो भविष्य है वो शिक्षकों के ही हाथ में है। अगर सही तरीके से शिक्षकों की भर्ती ये लोग नहीं कर सकते हैं तो लोगों को जो है सपना दिखाना लोग बंद कर दीजिए। चाहे बिहार राज्य की बात कर लें, चाहे किसी अदर स्टेट की बात कर लें,
कहीं भी शिक्षक भर्ती होती है पूरी तरीके से संपन्न नहीं हो पाती है। और लोग कहते हैं कि योग्य अभ्यर्थियों को नौकरी मिलती है, हम ये जानते हैं कि मिलती है, लेकिन जो प्रोसेस है इतना जटिल प्रोसेस है कि ये नौकरी आईएएस की नौकरी से भी जो है काफी कठिन हो गई है। इतने कष्ट झेलने के बाद, इसने आर्थिक परेशानियां झेलने के बाद एक अभ्यर्थी बीएड कर लेता है किसी तरीके से, और उसके बाद भी उसको जो है मतलब जो टीचर की ट्रेनिंग प्राप्त है उसको करने के बाद भी उसको जो है टीईटी का सफर तय करना पड़ता है। टीईटी के बाद फिर से आवेदन करना पड़ता है, फिर उसके बैकग्राउंड की एकेडमिक मेरिट जोड़ी जाती है, और अगर वो उस मेरिट में बनता है और उसके साथ अगर भ्रष्टाचार नहीं होता है तो कई सालों बाद राह देखने के बाद वो एक शिक्षक बनता है। लेकिन वो भी गारंटी नहीं रहती है लोगों के पास कि बनेगा ही। कहने का मतलब यह है कि बिहार शिक्षा विभाग को इस बात की तनिक भी परवाह नहीं है कि कोई एक शिक्षक अभ्यर्थी के सपने क्या हैं, वो क्या करना चाहता है, उसके परिवार की आर्थिक पृष्ठभूमि क्या है, क्या वो इन चीजों को सहन करने में जो ये लंबा समय जो बिताते हैं, जो कोर्ट केस होते हैं, शिक्षक बहाली की जो प्रक्रियाएं हैं, क्या ये सब चीजें सही तरीके से वो करा पाते हैं कि नहीं करा पाते हैं। हम ही ने जब बीएड किया था 2010-11 में, मैंने बीएड किया था तो मुझे ये लगता था कि बीएड करने के बाद जो है नौकरी मिल जाएगी, टीचर बन जाएंगे। वैसे तो मैं प्राइवेट काफी पढ़ाया हूं, लेकिन फिर भी एक सबके अंदर रहता है कि सरकारी शिक्षक बन जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए। लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि 10 साल 11 साल बीतने के बाद भी नौकरी नहीं मिलेगी। मैं टीईटी पास कर लेता हूँ, सीटेट, बिहार टेट सब पास किया हुआ है, एबिलिटी भी है, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाने के लिए भी है, लेकिन मेरी एबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है कि मैं एक सरकारी शिक्षक बन पाऊँ। उस सरकारी शिक्षक की योग्यता का पैमाना क्या है मैं आज तक नहीं समझ पाया। क्या उसकी जो भर्ती प्रक्रिया है वही उसका पैमाना है? आपकी जो सर्टिफिकेट हैं, जो उसके अंक हैं, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। इससे बढ़िया तो आईएएस का एग्जाम होता है जहां पे जो है 45% पे भी जो है वो अपियर होता है और उसको योग्य माना जाता है। कम से कम उसकी बैकग्राउंड की जो एकेडमिक मेरिट होती है उससे उसको कोई लेना देना नहीं होता है। उसने आगे का जो सफर तय किया है वही उसकी योग्यता का पैमाना माना जाता है। लेकिन शिक्षक भर्ती प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर योग्यता का पैमाना उसका बैकग्राउंड माना जाता है, ना कि उसने जो आगे जो अचीवमेंट की है उसको नहीं माना जाता है। इसका असर यही होता है कि हमारी बीएड की डिग्री, हमारी डीएलएड की डिग्री, हमारी बीटीसी की डिग्री, हमने जितनी भी मेहनत की है वो सब बेकार है। अगर आपने इंटर में, ग्रेजुएशन में, हाई स्कूल में 60% से कम नंबर हैं और आज की डेट में 70% से भी कम नंबर हैं, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बीएड, डीएलएड, बीटीसी ना करें, और अगर कर लिए हैं तो एक विकल्प आप अपना कहीं और ढूंढ लीजिए, क्योंकि आपको नौकरी नहीं मिलेगी किसी भी राज्य में जहां पर एकेडमिक मेरिट लागू होगी, आपको नौकरी कभी नहीं मिलेगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि बीएड, बीटीसी, डीएलएड करना, अगर आपके एकेडमिक मेरिट कमजोर है तो यह आत्महत्या करने के बराबर है। यह एक ऐसी डिग्री है जिसको सुसाइड डिग्री कहा जा सकता है। आज से 10 साल पहले लोग ये कहते थे कि बीएड कर लो, ऑक्सीजन का काम करता है, फ्यूचर में ऑक्सीजन का काम करेगा बीएड की डिग्री। और मैं आज की डेट में कहता हूं
कि बीए डीएलएड बीटीसी मत करना अगर तुम्हारी मेरिट 70% से कम बन रही हो, क्योंकि तुम्हारा टीईटी परीक्षा अगर उसमें आप कितना भी हाईएस्ट नंबर भी लाओगे ना तो भी आपका नहीं होगा। आज की डेट में बिहार शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है, जब तक इसमें एकेडमिक मेरिट लागू रहेगी, जितने भी लोएस्ट मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं उनका नहीं होगा, किसी कीमत पर नहीं होगा, क्योंकि उनकी एकेडमिक कमजोर है। तो ऐसे सभी अभ्यर्थी जो बचे हुए हैं, जिनकी लो मेरिट है, जिनका लो मेरिट के चलते वो काउंसलिंग में भाग लिए तब पर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, आप अपने लिए एक नया रोजगार की तलाश कर लीजिए। मुझे 10 से 11 साल हो गए इस बिहार शिक्षक बहाली में फॉर्म भरते हुए, मेरा मेरिट 59 कहीं 60 ऐसे बनता है और मेरा कभी नहीं होगा, ये मैं जानता हूं, मेरा कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरी एकेडमिक मेरिट कमजोर है। मैं एक सरकारी बोर्ड से पढ़ा हुआ छात्र हूं, अगर मैंने भी सीबीएसई बोर्ड से जो है पढ़ाई की होती तो मैं एक शिक्षक बन सकता था। आज की डेट में शिक्षक बनने की योग्यता सीबीएसई बोर्ड के ही छात्रों के पास है, और अगर आपने सीबीएसई बोर्ड से जो है पढ़ाई की है तो आप एक शिक्षक बन सकते हैं, आपके पास योग्यता है। लेकिन अगर आपने बिहार शिक्षा बोर्ड से जो है अगर पढ़ाई की है और आपकी एकेडमिक डाउन हो गई है, क्योंकि यहाँ पर एकेडमिक जल्दी बनती नहीं है, बहुत कम लोगों की आती है, तो आप शिक्षक नहीं बन सकते, ये बिल्कुल कंफर्म है। ये वीडियो आज के जो अभ्यर्थी उनके लिए भी है, आने वाले जो भविष्य में अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी है, कि अगर आप बिहार बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप शिक्षक बनने का सपना छोड़ दीजिए, बीएड में अपना ना तो समय बर्बाद करिएगा ना ही पैसा लगाइएगा, कुछ और कर लीजिएगा, किसी और चीज की तैयारी कर लीजिएगा, लेकिन बीएड बीटीसी और डीएलएड मत करिएगा अगर आपकी एकेडमिक मेरिट कमजोर है। बस इतना ही मुझे इस वीडियो में कहना था।